भगवान श्री राम जी के अयोध्या में आने के संकेत मात्र से सारे शगुन सुंदर होने लगे। सब प्रसन्न हो गए। नगर के चारों ओर रमणीकता आ गई। पर्यावरण आच्छादित हो गया। इसी शुभ अवसर पर आज जन अभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पर्यावरणविद श्री प्रदीप जी पांडे द्वारा पर्यावरण जन जागरूकता अभियान में नगर की सांस्कृतिक संस्था निनाद नृत्य अकादमिक और धार्मिक संस्था श्री 11 मुखी हनुमान पीठ हरसोदन को पौधे वितरित किए। आज के शुभ अवसर पर निनाद संस्था की ओर से बाल कलाकार कुमारी यशस्विनी देश पांडे को श्री राम जी के रूप में सजाकर उनका पूजन श्री पांडे और महाराज श्री रामदास रामायणी संभाग समन्वयक श्री शिव प्रसाद मालवीय जिला समन्वयक श्री सचिन छिम्पी द्वारा कर आरती भी की गई। उक्त जानकारी देते हुए ब्लॉक समन्वयक वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इसके उपरांत संस्था सदस्यों को पौधे वितरित किए गए। इस दौरान श्रीमती पलक पटवर्धन अनुष्का आर्य मीनल देश पांडे आयुषी त्रिवेदी रंगकर्मी हरिओम मेहता अनिल बेलिया उपस्थित रहे। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनका मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। एक लंबे संघर्ष के बाद समाज के निरंतर जागरण संघर्ष बलिदान तप तपस्या इन सब का फलीभूत होते हुए आज जो कार्यक्रम हुआ पूरी दुनिया के लिए एक विशेष महत्व का कार्यक्रम है। इससे पूरी दुनिया के अंदर जागरण होगा। संस्कृति धर्म मानवता इन सब विषयों को अगर दुनिया का मार्गदर्शन करने की भूमिका में भारत को देखते हैं तो उसकी शुरुआत अनादिकाल से हुई है, पर बीच के वर्षों में जो संघर्ष रहा मुझे लगता है कि वो पुनः इस मंदिर के साथ में स्थापित होगा। और हम सब भाग्यशाली कि हम सब ने भारत भूमि पे जन्म लिया है, तो पूरे देशवासियों को इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम दीप जलाएं, हम राम जी के जन्म भूमि का जो भव्य मंदिर बनना है उसके लिए जन जागरण करें, समाज का हर वर्ग उसमें सहभाग करे, यही प्रार्थना है। और सोमवार का दिन श्रावण पहला सोमवार से लेकर आखिरी सोमवार तक अर्थात पहली सवारी से लेकर आखिरी सवारी, चूँकि ये महाकाल की नगरी उज्जैनी है तो निरंतर वृक्ष लगना या वृक्ष का वितरण होना ये भी जन कल्याण का काम है। तो इसमें विद्यार्थी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, व्यवसायी हो, पत्रकार हो, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हो, इन सब की भूमिका समाज जागरण में वृक्ष है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, इस बात को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयत्न है वो निरंतर चल रहा है। और आज 29वां दिन है तो आज जो संस्था ये मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, गुरुजी का अभिनंदन करता हूँ और समाज से यही निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और आने वाली पीढ़ी को हम शुद्ध हवा दें, फल दें और जल ही जीवन की बात को जन जन तक पहुँचाएँ। ये अगर हम सब करेंगे तो शायद समाज का कल्याण होगा, प्रदेश का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। और इस भावना से प्रेरित होकर अगर हम समाज के लिए काम करेंगे तो ये राष्ट्र सशक्त होगा, गौरवशाली बनेगा, वैभवशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। भारत माता की जय।